हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई आप देखने जा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट, जो कि हमने पिच हार्ड कर रखी है इस बार ताकि बाउंस अच्छी हो। अभी टॉस होने जा रहा है, टॉस देख सकते हैं आप। तो आज हम सोचेंगे कि बॉलिंग करें अगर टॉस जीते तो। तो यहाँ पर हम टॉस जीत चुके हैं और बॉलिंग करेंगे और चेस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लाइनअप। तो आप यहाँ पर आराम से पॉज करके लाइनअप आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की, इंडिया की भी लाइनअप आप आराम से देख सकते हैं। आज थोड़ा सा एक बदलाव किया है मैंने, मोहम्मद सिराज को रखा है, ठीक है। और यहाँ पर पहला ओवर भी मोहम्मद सिराज से ही कराया जाएगा। और सामने आप डिकॉक, जो कि एक लेजेंड प्लेयर हैं और बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं साउथ अफ्रीका के। तो आप हमारी पहली गेंद का सामना करेंगे और देखेंगे कि क्या करते हैं पहली ही गेंद पे। चलिए एक और अच्छा शॉट यहाँ पर लगाते हुए, पहली ही गेंद पे अच्छा शॉट, सॉरी माफ कीजिएगा, पहली गेंद पे तो शॉट लगाया 6 रन। एक और अच्छा शॉट सीधा हवाई फायर, लाजवाब शॉट यहाँ पे, एक अच्छा शॉट रवि बिश्नोई को लगाया गया भैया दूसरा ओवर। ये अच्छा शॉट है भैया, अगली 4 गेंदें डॉट गई थी उसके मुकाबले में यहाँ पर 5वीं गेंद पे चौका लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करते हो यहाँ पर साउथ अफ्रीका अपनी टीम। चलिए अक्षर पटेल हमारे, चलिए रन ले लिया, सिंगल आराम से ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये क्या हुआ भाई, इतना तेज थ्रो है भाई, ये तो रन आउट, रन आउट ले भाई, हो गया कर लिया, हो गया आउट भाई, कौन आउट हुआ ये, रन आउट हो गया भैया। जहाँ इनको दूसरा रन भगने की जरूरत नहीं थी वहाँ ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठे, सॉरी कुल्हाड़ी पे ही पैर मारा है इन्होंने। डिकॉक अच्छा खेल रहे थे, 26 रन बनाए 11 गेंदों पे। चलिए अर्शदीप हमारे, ये शॉट अच्छा है क्या, 4 रन, सॉरी माफ कीजिए, 4 रन आसानी से ले लेंगे यहाँ पे। चलिए अगली गेंद यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। शॉट अच्छा मारा है वहाँ पर सीधा, अरे कैच आउट, चलो अच्छे अर्शदीप का विकेट निकालते हुए यहाँ पर अर्शदीप, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था यहाँ पर अर्शदीप ने और रायली रूसो को गलत शॉट मार बैठे। एक और अच्छा शॉट है क्या, ये 6 रन है, जी हाँ आराम से 6 रन मिल जा रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा शॉट था। तो यहाँ पर पहले इनिंग समाप्त होती है यहाँ पर साउथ अफ्रीका की। तो इन्होंने बनाए भैया 48 रन, अब 49 का टारगेट मिला है और देखते हैं क्या स्टार्ट देती है इंडिया। तो चलिए एम्पायर दोबारा यहाँ पर मैदान पे आते हुए और यहाँ पर साउथ अफ्रीका, अब यहाँ पर डू और डाई वाला मैच अब ये साउथ अफ्रीका का, यहाँ पर साउथ अफ्रीका को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हार्ड मोड में मैच है और इतना आसान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पहली गेंद है, चलिए यहाँ पर पहली गेंद आराम से सिंगल लेते हुए, आराम से भैया आराम से, तो यहाँ पर सिंगल ले लिया आसानी से। ये अच्छा शॉट लगाया है लेकिन कैच दे दिया भैया हाथ में, शॉट तो यार परफेक्ट ही था एक तरह से, नो फर्स्ट बाउंस भी है और पहली बाउंस पे शॉट अच्छा लगाया था लेकिन यहाँ पर गलत शॉट मार बैठे गायकवाड़, कामयाब से भुगतना पड़ा इंडिया को और विकेट गवाया है यहाँ पर अपना गायकवाड़, 0 रन, 2 बॉले खेली हम। चलिए देखते हैं आगे क्या, एक अच्छा शॉट लगाते हुए यहाँ पर संजू सैमसन को मैंने आज, भैया 2 प्लेयर चेंज हुए हैं आज हमारे यहाँ पे, संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज को लिया है यहाँ पे हमने।
एक और अच्छा शॉट है यहाँ पर ईशान किशन बैक यार्ड सर्कल पे एक चौका लगाते हुए यहाँ पर सीधा। एक और अच्छा शॉट है क्या, ये 6 रन है। ओ भाई फ्लैट शॉट है भाई, सीधा 6। कमाल की बैटिंग हो रही है यहाँ पे है? अरे भाई, अरे भाई गलत शॉट मार बेटा भैया ईशान किशन, क्या आउट। अरे भाई तो आउट ही है, क्या कह रहा हूँ भैया, हार्ड मोड है। हार्ड मोड में इतना आसान नहीं है मैच जीतना भाई, हमारे तोते लाल कर दिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया के। तो चलिए क्या होता है अगली गेंद पे। चलिए एक और अच्छा शॉट है यहाँ पे, क्या ये 4 रन है। जी हाँ, आसानी से 4 रन मिल जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ है। चलिए एक और शॉट लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये गलत कांड कर बैठे भैया यशस्वी जायसवाल। पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जो मैन ऑफ द, और आज इन्होंने अच्छा स्कोर नहीं बनाया है और 11 रन बनाए मात्र 8 गेंदों पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगली गेंद खेलते हैं। एक और अच्छा शॉट है क्या यहाँ पर, 4 नहीं 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 आसानी से यहाँ पे फील्डिंग कर ली, लेकिन 3 रन आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से निकालेंगे 3 रन, कोई दिक्कत नहीं है। एक और अच्छा शॉट है यहाँ पे, अब अक्षर पटेल पर पूरी जिम्मेदारी है भैया यहाँ पे। एक ओवर में मात्र 16 रन चाहिए और चौथे ओवर की पहली गेंद पे चौका लग चुका है। एक और शॉट लगाएंगे भैया। ओ भाई एज, भाई एज बिल्कुल रियलिस्टिक दिख रहा है, क्या शॉट, जहाँ शॉट मारना चाहते थे वहाँ शॉट लगा नहीं, लेकिन एज का चौका मिला, लेकिन चलो बधाई हो। एक और शॉट लगाने की कोशिश है। जी नहीं 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 फर्स्ट बाउंस से, फर्स्ट बाउंस नो बॉल, फ्री हिट, मज़ा आ गया। चलिए फ्री हिट का फ़ायदा उठाओ भाई, अच्छा शॉट है यहाँ पर, फ्री हिट का फ़ायदा उठाया और इसी 4 रन के साथ यहाँ पर मैच जीती हुई इंडिया और सीरीज पर कब्जा हो चुका है यहाँ पे भाई। चलिए साउथ अफ्रीका टाटा बाय बाय, यहाँ से तो हमारा भैया सफ़र होता है ख़त्म, और एक मैच बाकी जो कि थर्ड मैच बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। और यहाँ पर इंडिया ने 5 विकेट से ये मैच जीता है, और वैसे देखा जाए तो ये मैच काफ़ी हद तक दोनों साइड था, बट यहाँ पर अक्षर पटेल जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, तो उसके हिसाब से उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला है। तो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और भाई दोस्तों यार 1K तक पहुंचा दे यार, बड़ी तमन्ना है यार 1K तक, तो थोड़ा सपोर्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।